दोस्तों, जब आप किसी आलिशान होटल के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? भव्य कमरे, अत्याधुनिक सुविधाएं और स्वाद के लिए व्यंजन और एक अच्छा खासा होटल का बिल, है ना? खैर, यहाँ पास मेरा एक होटल के ऊपर एक अलग दृष्टिकोण है। क्या हो यदि आप एक होटल स्टॉक में निवेश करते हैं और उससे आने वाले लाभ से आप एक लग्जरी होटल छुट्टी पर जाते हैं? दिलचस्प है ना? COVID-19 महामारी के कारण भारत ही क्या, दुनिया की हर होटल शेयर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई थी, लेकिन ये उद्योग अब तेजी से उभर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय आतिथ्य उद्योग मतलब कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला होटल उद्योग बनने के लिए तैयार है। आने वाले दशक के लिए विकास की संभावनाएं अपेक्षाकृत स्थिर होने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह उद्योग 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है। जैसे जैसे भारत में पर्यटन उद्योग बढ़ता है, होटल शहरों के भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। इस वीडियो में हम इस उद्योग के बारे में और उनसे जुड़े स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रणाम देवी का सर्जन स्वागत है सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 मी में। और भारत के होटल शेयरों में निवेश क्यों करें, चलिए इसे जानते हैं। आप यहाँ पास मेरी बात से रिलेट करें। महामारी ने लगभग एक विशाल आबादी को, यात्रा करने वालों को बांध दिया था। आतिथ्य उद्योग के दृष्टिकोण के बारे में कुछ आंकड़े और तथ्य जानते हैं। पहला है, फोर्ब्स के एक लेख के अनुसार 72% अमेरिकी लोग लंबी दूरी की छुट्टी लेना चाहते हैं। दूसरा, 83% से अधिक भारतीय छोटी से लंबी दूरी तक की यात्रा करना चाहते हैं। तीसरा है, एक बेहतरीन यात्रा तंत्र के निर्माण पर भारत सरकार के जोर और समर्थन के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले यात्रा क्षेत्र बनने के लिए तैयार है। चौथा है, मालिक अपने कर्मचारियों को ठहरने के लिए विकल्प भी प्रदान कर रहे हैं, जहां कर्मचारी एक नए स्थान का आनंद लेते हुए दूर स्थित गंतव्य से काम कर सकते हैं। पांचवा है, सबसे प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य का घर होने के कारण भारत इस बदलते समय में सबसे अच्छी तरह से स्थापित है। छठवा है, अपने आप में एक पर्यटक आकर्षण केंद्र, विविध प्रामाणिक भारतीय व्यंजन की बात ही अलग है। और अगला और महत्वपूर्ण, इंटरनेट का उपयोग करने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ भारत में यात्रा करते समय कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। ये सभी भारत को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पसंदीदा स्थान बनाते हैं। ICRA के अनुसार भारत में होटल अभिभोग या उपयोग वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 50% अधिक हो गया है। इसने भारत में आतिथ्य उद्योग मतलब कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। स्टॉक रिटर्न की बात करें तो भारत में 6 प्रमुख होटल शेयरों में पिछले एक साल में कम से कम 75% से 180% के बीच का निवेश रिटर्न दिया या फिर ROE रिटर्न प्रदान किया है, जो आशाजनक संख्याएं हैं। बाजार की जोखिम, जब निवेश का दृष्टिकोण सकारात्मक दिख रहा है तो क्या मुनाफे की गारंटी की जा सकती है? क्या ये हरियाली हमेशा रहेगी? क्या शेयर बाजार के मुनाफे की गारंटी है? तो निश्चित रूप से नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निवेश नहीं बढ़ता। हर निवेश जोखिम वहन करता है, लेकिन अगर उद्योग अच्छा प्रदर्शन करता है तो शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद आपका निवेश बढ़ सकता है। एक निवेशक रूप में आप हमारे प्रिय उदय भाई से जोखिम उठाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम सह लेंगे थोड़ा सा वाला डायलॉग आपको याद ही होगा। अब चलिए आपके विचार के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ होटल स्टॉक के बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, IHCL। IHCL दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी होटल श्रृंखलाओं में से एक है, जिसके पास ताज, विवांता आदि जैसे बड़े ब्रांड हैं, जिसका स्वामित्व और संचालन टाटा समूह द्वारा किया जाता है, जिसे 115 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसका भारतीय आतिथ्य उद्योग में सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण है और 2021 में विश्व के सबसे मजबूत ब्रांड और 2022 में भारत के सबसे मजबूत ब्रांड के खिताब से सम्मानित हो चुका है। IHCL के पास भारत के सबसे बेहतरीन लग्जरी होटल की श्रृंखला है। IHCL ने पिछले एक साल के दौरान शेयर धारकों को लगभग 47% रिटर्न दिया है, जो बीच में 80% तक का पहुंच गया था। यदि विकास के सही अवसर देखे जाएं, तो यह आने वाले वर्षों में उच्च वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। इस प्रकार यह भारत के सबसे अच्छे होटल शहरों में से एक है। दूसरा है चैलेट होटल्स लिमिटेड, के रहेजा कॉरपोरेशन समूह के स्वामित्व में शैले होटल्स लिमिटेड मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे के
महानगरीय शहरों में 7 लग्जरी होटल सुविधा का संचालन करती है। शैले होटल्स लिमिटेड के स्वामित्व वाले कुछ प्रतिष्ठित ब्रांडों में मुंबई और बेंगलोर में मैरियट और फोर पॉइंट शामिल हैं। पिछले वर्षों के दौरान शैले होटल्स के स्टॉक कीमत में 49% की वृद्धि हुई और ये बीच में 80% तक पहुंच गया था। इसका मतलब यह है कि ये शेयर भी आने वाले पर्यटन बूम के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है। आपके पोर्टफोलियो में CHL जैसा मजबूत स्टॉक होने से आपके रिटर्न में काफी वृद्धि हो सकती है। तीसरा है द बाइक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। भारत के 16 शहरों में से कुल 21 लग्जरी होटल रिजॉर्ट का मालिक द बाइक होटल लिमिटेड वास्तव में पारंपरिक भारत के सार की कल्पना करते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत को नींव में रखते हुए TBHL अतिथि देव भव के मंत्र का अभ्यास करते हैं। TBHL अपने प्रतिष्ठानों में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन पेश करते हैं। अधिक से अधिक पर्यटक प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं। TBHL रिजॉर्ट कई भारतीय शहरों और कस्बों में रहने वालों के लिए सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करते हैं। TBHL की रणनीतिक लाभ को देखते हुए शेयर की कीमत अभी तक अपने संभावित शिखर तक नहीं पहुंच पाई है। ये पिछले एक वर्षों के दौरान केवल 19% का रिटर्न दिखता है, जो बीच में 33% तक गया था, जो अपने साथियों की तुलना में एक बड़े निवेश अवसर के लिए जगह छोड़ते हैं। TBHL भारत में सबसे अच्छे होटल शेयरों में से एक है, जिसे आप खरीदने पर विचार कर सकते हैं। चौथा है EIH लिमिटेड। अगर आप मुंबई के ताज होटल के बारे में जानते हैं तो उसके पास ओबेरॉय ट्राइडेंट के बारे में भी जानते होंगे। ओबेरॉय समूह के स्वामित्व में EIH लिमिटेड भारत की लग्जरी होटल की सबसे बड़ी श्रृंखला में से एक है। 7 देशों में अपने लग्जरी होटल पोर्टफोलियो में 33 से अधिक होटल होने के कारण EIH लिमिटेड का राजस्व सीमाओं के पार फैला हुआ है। लग्जरी सेगमेंट में अपने साथियों की तुलना में शेयर की कीमत में कम वृद्धि के साथ EIH लिमिटेड सिर्फ वह स्टॉक हो सकता है जो शेयर बाजार में आपके भाग्य को बदल सकते हैं। विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए EIHL भारत में सबसे अच्छा होटल शेयरों में से एक है। पांचवा और आखिरी है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। भारत में 54 जगहों में 87 से अधिक होटल के साथ लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के पास सुपर लग्जरी से लेकर इकोनॉमी तक के होटल हैं। इसका मतलब यह है कि लेमन ट्री होटल्स का ग्राहक आधार केवल लग्जरी ग्राहकों तक सीमित नहीं है, वे समाज के सभी वर्गों से संबंधित ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। पिछले वर्ष लेमन ट्री के शेयर में लगभग 55% की वृद्धि हुई। लेमन ट्री होटल के परिचालन के पैमाने और ग्राहक श्रेणी को देखते हुए यह आपके लिए अवश्य खरीदने योग्य हो सकता है। और अब चलिए इनका फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहले IHCL, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,056 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.13% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 3,056 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट माइनस में 265 करोड़ का। स्टॉक का PE 227 है, ROE माइनस में 5.45% और ROCE 1.21% का है। डेट कंपनी पे 3,888 करोड़ का है। वही कंपनी के पास 1,188 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले एक साल में 124% का इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा, वहीं 3 साल में -12% और पिछले 5 साल में -5% से घटा, जो कि कोरोना था। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले एक साल में 125% से बढ़ा, वहीं 3 और 5 साल में 0 रहा। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में 46, पिछले 3 साल में 30 और पिछले 5 साल में 24% से CAGR बढ़ा है। और वे पिछले एक साल -5, पिछले 3 साल -7 और पिछले 5 साल -2% से ROE घटा है। वहीं ROCE देखें तो पिछले एक साल में 1.2, पिछले 3 साल में 0.3 और पिछले 5 साल में 2.7% से इनका ROCE बढ़ा। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर इसमें 38.19% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 16.03, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 25.51 और गवर्नमेंट का इसमें 0.13% का स्टेक है और पब्लिक का 17.14% का स्टेक है। इसके बाद है शैलेट होटल्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,153 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0 रहा। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 508 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट माइनस में 81 करोड़ का। स्टॉक का PE 0 है और ROE माइनस में 5.07% का है और ROCE माइनस में 0.1% का। डेट कंपनी पे 2,422 करोड़ का है और इसी के बीच में कंपनी के पास 99.8 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 127% से बढ़ा, वहीं 3 साल में -20 और पिछले 5 साल में 7% से घटा था।
प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 95% इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 और 5 साल में शून्य रहा था। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में 46% इनका CAGR बढ़ रहा है, 3 साल में 6% और पिछले 5 साल में 0% इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE देखते हैं तो पिछले एक साल में -5, पिछले 3 साल में -2 और पिछले 5 साल में भी -2% इनका ROE घट रहा है। ROCE पिछले एक साल में -0.1% से घटा, वहीं 3 साल में 1.4% और पिछले 5 साल में 3.4% से इनका ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 71.65% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.14, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 20.99 और बाकी बचा पब्लिक के पास 5.22% का स्टेक है। इसके बाद है द बाइक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 163 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0% का है। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 93 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट -13 करोड़ का। स्टॉक का पी शून्य है। ROE -7.8%, ROCE -2.1% और डेट कंपनी पे 96.7 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 5.10 करोड़ का इनके पास कैश था। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले एक साल में 65% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा, लेकिन पिछले 3 साल में -14 और पिछले 5 साल में -19% घटा था। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 86% बढ़ा, लेकिन पिछले 3 और 5 साल में शून्य रहा। CAGR देखते तो पिछले एक साल में 18, पिछले 3 साल में 25 और पिछले 5 साल में -24% CAGR घटने के बाद अब बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले एक साल -8, पिछले 3 साल -5 और पिछले 5 साल में 2% ROE बढ़ने के बाद घट रहे हैं। ROCE देखते तो पिछले एक साल में -2.1%, पिछले 3 साल में -1% और पिछले 5 साल में 5.2% ROCE बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 46.86% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 4.46, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.94 और बाकी बचा पब्लिक के पास 47.75% का स्टेक है। इसके बाद है ईस्टर्न इंटरनेशनल होटल्स EIH लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,779 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड शून्य है। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 985 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट -95 करोड़ का। स्टॉक का पी 325 है। ROE -4.8% और ROCE भी -3.1%। डेट कंपनी पे 475 करोड़ का और कैश कंपनी के पास 261 करोड़ का है। सेल्स से देखते हैं तो पिछले एक साल में 29% से बढ़ा, लेकिन पिछले 3 साल में -18 और पिछले 5 साल -8% घटा था। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले एक साल में 111% से बढ़ा है, लेकिन 3 साल और 5 साल में शून्य रहा। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में 28, पिछले 3 साल में 1 और पिछले 5 साल में 7% से CAGR बढ़ रहे हैं। ROE पिछले एक साल में -5, पिछले 3 साल में -4 और पिछले 5 साल में शून्य रहा और ROCE भी पिछले एक साल में -3.1, पिछले 3 साल में 2.8 और पिछले 5 साल में 1.9% बढ़ने के बाद घटता हुआ दिख रहे हैं। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के में 35.74% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.73 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.88, गवर्नमेंट के में 0.01% का स्टेक है, वहीं बाकी बचा पब्लिक के पास 46.74% का स्टेक है। अब अंत में है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,790 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड शून्य ही रहा। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स है 402 करोड़ का और नेट प्रॉफिट -137 करोड़ का। स्टॉक का पी शून्य है और ROE -10 और ROCE 1.2% का है। डेट कंपनी पे 2,128 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 54.3 करोड़ का है। और सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 118% बढ़ा, लेकिन पिछले 3 साल में -10% और पिछले 5 साल में शून्य रहा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 73%, पिछले 3 साल में शून्य और पिछले 5 साल में शून्य रहा। CAGR देखते तो पिछले एक साल में 52%, पिछले 3 साल में 14% और पिछले 5 साल में शून्य रहा। ROE पिछले एक साल में -10, पिछले 3 साल -8 और पिछले 5 साल में -3% से ROE घटता हुआ दिख रहा है। ROCE पिछले एक साल में 1.2, पिछले 3 साल में 1.9 और पिछले 5 साल में 3.1% से ROCE बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के इसमें 23.95% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 70.90, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.42 और बाकी बचा पब्लिक के पास 36.75% का स्टेक है। निष्कर्ष, मेरी तरह आपने भी पहले ही सपना देखा होगा कि कुछ ही दिनों में ढेर सारा पैसा कमाया जाए, लेकिन याद रखें कि कोई भी योजना 25 दिन में दोगुना रिटर्न प्रदान नहीं कर सकती। आज के समय में जब तक निश्चित रूप से सलमान खान अपने फिल्मी निर्माता को फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं दे रहे, भारत में आतिथ्य उद्योग एक बड़े उछाल के लिए तैयार है।
नतीजतन होटल स्टॉक की कीमतों को आसमान छूने की काफी संभावना है। जब आप अपनी अगली छुट्टी की योजना बनाने में व्यस्त हो तो भारत के इन बेहतरीन होटल शेयरों को खरीदने और अपने लग्जरी वेकेशन फंड में पैसा लगाना शुरू करें। तो ये थे दोस्तों भारत के होटल सेक्टर या फिर हॉस्पिटलिटी सेक्टर के बारे में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगी नीचे कमेंट करके, और एम करते हैं कम से कम 5 लाइक का, तो लाइक करके हमारा साथ जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।